आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपका यदि आपका पेपर में पूछा जाता है कि मैलस का नियम बताइए, तो मैलस का नियम होता है आपका आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आपका आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, यदि एक दूसरे के सामने समतल दर्पण एक दूसरे के साथ 30 डिग्री के साथ कोण झुका कोण बनाता है, तो बीच पड़ी हुई तो उनके बीच पड़ी हुई वस्तु द्वारा बनाई गई छवि की संख्या ज्ञात करिए। तो इसके लिए आपका एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, छवि की संख्या हो जाएगी आपकी समतल दर्पण के लिए आपने सूत्र पढ़ा होगा 360 बटा थीटा। यहाँ पर 360 कितना दिया आपका, 360 यहाँ पर इतना, आपका थीटा कितना दिया 30 डिग्री। जब आप इसको इसको काटेंगे 0 से 0 12 बजे, तो आपके यहाँ पे संख्या कितनी हो जाएगी, छवि संख्या n बराबर 12 आ जाएगी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि ये सम आता है, इवन नंबर आता है समतल दर्पण में, तो n माइनस 1 कर देते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो 12 माइनस 1 बराबर 11 हो जाएगा। यदि आपका यहाँ 13 दिया होता, विषम संख्या कोई भी दी जाती तो आपका पास केवल 13 आता, तो 13 आंसर हो जाता। यदि 12 आंसर दिया आपका, तो सम है ये, सम होने के लिए आपका n माइनस 1 होता है समतल दर्पण के लिए, तो यहाँ पे आपका 11 आंसर हो जाएगा। तो आपका n बराबर यहाँ पे छवि की संख्या आ जाएगी आपके 11। अब आपका नेक्स्ट है, जैसे कि आप जानते हैं मैंने बताया कि सम के लिए जैसे कि 12 दिया है तो 12 माइनस 1 कर देंगे 11 हो जाएगा, और यदि विषम की बात करें तो वही रहेगा। ध्यान रखिएगा हमेशा सम के लिए समतल दर्पण का सूत्र जब आ जाए तो उसका n माइनस 1 हो जाता है बाद में, पर शुरुआत में आपका क्या रहता है, शुरुआत में तो आपका भाई 360 बटा थीटा रहता है। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है तीसरा, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आपका चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है आपका आधा कर दे, तो आवेश की त्रिज्या आपका क्या होगा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा आर बराबर MV/QB, और ये सूत्र कहाँ से आया उत्पत्ति थोड़ा अभी मैं आपको बताऊंगा। वी क्या दिया आपको, यहाँ वी क्या दिया आपको, प्रपोजनल का चिन्ह लग जाएगा, अब V/B है, सीधा हो जाएगा आपका यहाँ से। वी का मान कितना दिया आपका, वी का 2 गुना दिया है, अब चुंबकीय क्षेत्र आधा कर दिया जाता है, ये 2 ऊपर जाएगा, तो आपका आर का मान कितना आ जाएगा, आर का मान 4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा आपका। आपकी उत्पत्ति कहाँ से हुई ये मैं आपका अभी दिखाता हूँ, जैसे कि F/MV² पड़ा होगा, अभी किरणदी के लिए होता है F/MV² अपन में आर होता है, F/QV का सूत्र पड़ा होगा, MV² ये आर लिखा है, तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, आर ऊपर जाएगा, QV अपन नीचे आ जाएगा, MV से भी ये कट जाएगा, तो R/MV/QV, फिर से आप देख लीजिए R/MV/QV आपका यहाँ दिया गया है। जहाँ अब आपका नेक्स्ट है चौथा नंबर, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वायुमंडली अपवर्तन, तो यहाँ पे आपका वायुमंडली अपवर्तन हो जाएगा। और आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि किसी साधारण लोलक की लंबा अवधि कर दी जाती तो दोलन की अवधि क्या होगी। आपने पढ़ा होगा, ये सिंपल से सवाल आप कर लीजिएगा खुद, T/2π/√L/G, तो यहाँ से आपका टी का मान कितना निकला, T/√L है, यदि एल दिया गया केवल यहाँ पे, तो T/√L आप हल कर लीजिएगा। अब आपका नेक्स्ट है, पृष्ठ तनाव की बीमा क्या होती है, पृष्ठ तनाव की बीमा MT-2 होती है, कैसे होती है, पृष्ठ तनाव का टी पे दसी कहते हैं, टी का किस सूत्र होता है, F/L, टी की बीमा एफ की बीमा क्या होती है, बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन की बीमा MLT-2 होती है, एल की लंबाई क्या ली रहेगा, एल से एल ये कट जाएगा, तो MT-2 आपका यहाँ पे हो गया, ध्यान रखिएगा आप। और आपका ये MT-2 हो गया, और पृष्ठ तनाव टी प्रदर्शित करते हैं, और आपका भी ध्यान रखिएगा पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां नंबर दिया गया है, किसी गैस में ध्वनि की चाल अनुपाती होती है, तो यदि आपका ऑप्शन में यदि ये दिया जाए V/√T या V/T/1/2, दोनों आपका सही है, ये आपका रूट हट गया तो 1/2 पावर लग गई है, बस अब कुछ नहीं है,
तो आपकी ध्वनि की जो चाल है वो आपकी वी पर पहुंचना रूल में टी हो जाएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, किसी कण की स्थिति एक्स एच टी एक्स समय तथा टी के साथ निम्न प्रकार से दी जाती है। एक्स बराबर ए टी स्क्वायर माइनस बी टी क्यूब है, किस समय पर कण का त्वरण शून्य होगा। तो आपका ऐसे यहाँ पे लग जाएगा, आपका यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स का मान, तो इसका सीधे आपका अवकलन होगा डी एक्स बाई डी टी, 3 ए टी हो जाएगा, ए टी स्क्वायर का ये आपको अवकलन तो आता होगा, और यहाँ पे 3 बी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 ए टी होगा। तो यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी दोबारा से अवकलन इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे आपको त्वरण का शून्य दिया था, आपको त्वरण तक निकालना है ना, इसका मतलब यहाँ पे ए बराबर शून्य, त्वरण शून्य हो जाएगा, और यहाँ त्वरण क्या होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है त्वरण। तो यहाँ पे आपका अब आपका दोबारा से करें तो 2a-6bt, तो आपका क्या हो जाएगा 2a-6bt। अब आपका लिखा है 0 = 2a-6bt, तो आपको आप ऐसे ले सकते हैं 6bt = 2a, ये से ये काट दिया, 3 बचा, क्या बचा आपका 3t बराबर आपका क्या बचा, तो ये ए ऊपर आएगा अपॉन में 3b हो जाएगा आपका, तो आपका हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर भी लिखा है t = a/3b। अब आपका 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, चोक कुंडली का उपयोग किसके नियंत्रण में करते हैं। आपका चोक कुंडली का उपयोग प्रत्यर्थ धारा जो एसी होती है प्रत्यर्थ धारा में किया जाता है, नियंत्रण करने में किया जाता है इसका उपयोग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 11वां नंबर क्वेश्चन, एक सीधे तार में 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार चाप से मोड़ दिया जाता है, केंद्र पर आपका ये केंद्र है, केंद्र पर आपका चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम क्या होगा। तो आपका सूत्र आपको आना चाहिए, इसका सूत्र हो जाएगा आपका b = μ0/4π (πI) होता है, अपन में r होता है, और ये आपको पता होगा μ0/4π की वैल्यू आपकी 10^-7 होती है, यहाँ पाई रहेगा, आई का मान आपका दिया गया 10, आर का मान दिया 5 सेंटीमीटर दिया, तो 10^-2 मीटर में हो जाएगा, और आपका बी का मान कुछ कुछ करके आएगा, आप टेस्ला में आ जाएगा आपका बी का मात्र, कुछ आपको केवल सूत्र में फिर से बता दूँ क्या लगेगा सूत्र, आपको केवल सूत्र आना चाहिए, आप हल तो कर ही लेंगे, μ0/4π (πAI/r) इस तरह हल करेंगे, उसे आर को आप मीटर में चेंज कर लेंगे, 10^5 × 10^-2। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि 12वां नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो आपका ये सूत्र दिया गया है, C = C/KE/d, वह सूत्र निर्भर आपका प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, मध्य पर दूरी होती है उसी पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा, दूरी पर भी, दूरी के व्युत्पन्न उपाती होता है पर दूरी पर भी निर्भर करेगा, के पर के होता है परा वैद्युतांक, और तो आपका जो के होता है वो धातु के लिए क्या होता है, के धातु के लिए अनंत होता है, धातु के लिए तो अनंत होता है के। अब ये कि आपको प्लेटों के बीच की दूरी के पर निर्भर करता है, या आपका क्षेत्रफल दिया जाता है आपका पेपर में सही भी कर ले तो क्षेत्रफल भी हो जाएगा, सूत्र होता है C = KE/d। अब आपका नेक्स्ट है 13वां नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, एक वस्तु खुरदरे क्षैतिज तल पर 6 मीटर/सेकंड के प्रारंभिक वेग से गतिमान है, यदि आपका दिया गया है 9 मीटर की दूरी तय करके रुक जाती है तो सर्पी घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो आपका सूत्र आपको पता होगा, μ = क्या होता है सर्पी घर्षण, s होता है, ध्यान रखिएगा 2gs होता है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अब आपका कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान त्वरण का 2 गुना करे तो बल का मान क्या होगा। आपने सूत्र पढ़ा होगा μ = ma होता है, सिंपल से सूत्र है आपका, ये द्रव्यमान 2 कर दिया गया, त्वरण भी 2 गुना कर दिया,
एफ बराबर 2 × 2 तो आपका क्या हो जाएगा, एफ बराबर 4, 4 गुना हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, लंज का नियम किस में किसका प्रयोग होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रयोग किया जाता है, और लंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर कार्य करता है आपका। आपको यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पर बनाऊँ मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट पर। धन्यवाद।